वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इसके पहले के जो वीडियोस है उसमें हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट कर लिया था। अब आपकी बुक में लेट्स रिकॉल करके टॉपिक दिया है। लास्ट ईयर यू हैव स्टडीड द मेथड ऑफ फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। आपने फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो लगभग 7th या 8th स्टैंडर्ड से पढ़ी है और लास्ट ईयर यानी 9th में भी आपने पढ़ी है। सो लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 2m square minus 5m a square minus 25 try the following activity and revise the same। so आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं और उन एक्टिविटी के अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं इस तरह से इनका आपको आंसर निकाल के दिखाना है। तो आपने पिछले साल जो एक्टिविटी परफॉर्म की है या पिछले साल या 8th या 7th स्टैंडर्ड में फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व की है तो जो आपको प्रीवियस में थोड़ा बहुत नॉलेज है हम उसको यहाँ टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम इस साल का जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग पॉलीनोमियल। तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा, अब मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तो आप अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। जब इस तरह की इक्वेशन रहती है तो मैंने इसके पहले भी पढ़ाया हुआ है कि जब भी इस तरह के साइन हो तो कुछ साइन रूल्स होते हैं, वो भी मैं अभी थोड़े देर में आपको साइन रूल पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं बताता हूँ कि जब आखिरी में माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, तब आखिरी माइनस और बीच में माइनस रहने पर अल्टरनेट साइन में फैक्टराइजेशन यानी इस 4x का जो टुकड़े होंगे वो अल्टरनेट होंगे। प्लस ये जब हम निकालते हैं तो ये लास्ट कॉन्स्टेंट और एक्स का यहाँ जो कोएफिशिएंट हिडन है इन दोनों का होता है मल्टीप्लाई। तो हम उसको यहाँ साइड में करके देखते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह का एक मेथड पढ़ाई गई है 5 1 5, लेकिन ये माइनस है तो आपको आया -5। आपने मल्टीप्लाई किया इन दोनों टर्म्स का, मल्टीप्लाई करने पर -5 है और मिडल टर्म जो है वो आपकी -4 है। अब आपको -4 जो है उस मिडल टर्म के ऐसे दो फैक्टर करने पड़ेंगे कि जब हम उनको एड करेंगे तो -4 आए और जब हम उनका मल्टीप्लाई करें तो -5 आए। दूसरी चीज, जब यहां माइनस साइन आता है तब हमको अल्टरनेटली प्लस और माइनस साइन में फैक्टर मिलते हैं, क्योंकि बीच का जो नंबर है वो माइनस के साथ है इसलिए बड़ा नंबर आपको माइनस में लेना पड़ेगा। तो यहां पर ऐसे दो फैक्टर जिनका आपस में एडिशन -4 आता है दो ही है, ये है 5 एंड 1। अब 5 में से आप 1 को माइनस कीजिए तो -4 बचता है, 5 1 5 -5 आंसर देता है। तो आपके दो फैक्टर जो बने वो +1 और -5 बने। तो यहां पर हम लिखते हैं therefore x square plus 1x, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता इसलिए यहां पर सिर्फ लिखेंगे हम x। अगला जो हमारा वो फैक्टर है वो है -5, तो यहां -5x और ये -5। तो आपने ये जो मिडल टर्म है इसके दो टुकड़े किए हैं +1 और -5 के फॉर्म में और इसके साथ x लगा हुआ था इसलिए आपने उसको x लगाया। तो ये आपकी टर्म बन गई। अब यहां पर दो दो टर्म के हमको पेयर बनाने पड़ते हैं, उसमें से कॉमन निकालना होता है। तो इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है यहां पर x। पहले में हमारे पास x यहां रिमेनिंग है प्लस, क्योंकि यहां से पूरा x निकल गया, यहां +1 बचा है। इन दोनों में 5 कॉमन है, साथ साथ में ये माइनस साइन भी कॉमन है तो -5 यहां कॉमन निकला। अब यहां एक बात याद रखनी होती है कि जब भी हम माइनस को कॉमन निकालते हैं तब अंदर के साइन पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, यानी जो भी टर्म आप नंबर के साथ देख रहे हो साइन के साथ वो साइन चेंज हो जाएगा। यहां पर इस साइन का, इस पूरी टर्म का साइन जो है माइनस था, कॉमन निकालने के बाद अब उसका साइन हो जाएगा प्लस, लेकिन प्लस को हम लिखते नहीं है। इसमें से -5 निकाल दिया तो यहां बचा सिर्फ एक्स। अगली टर्म यहां से माइनस कॉमन निकाल दिया, 5 भी कॉमन निकाल दिया तो यहां पर +1 बचेगा। देखिए दोनों की दोनों टर्म जो है वो माइनस में थी, यहां दोनों टर्म जो है वो काय में आ गई प्लस में, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला है। तो यहां पर हमेशा याद रखिए कि जब भी माइनस कॉमन निकलेगा अंदर में जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे। इस टर्म में आपके ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आने को होना तभी आप इन दोनों को कॉमन ले सकते हो। तो फैक्टराइजेशन मेथड में पहले फैक्टर बनाना और फिर ये दोनों ब्रैकेट आइडेंटिकल यानी एक जैसे आना जरूरी है। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे, इसलिए पहला हमारा हो गया x+1 और दूसरा जो हमारा फैक्टर हो गया वो यहां बचा x और दूसरे में -5। तो आपके फैक्टर जो है वो क्या आ गए, x+1 एंड x-5। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आपने सिंपली इस मिडल टर्म के दो फैक्टर बनाए इस तरह से,
ये दोनों जो टर्म्स है उसके पेयर बना के हमने कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद ये ब्रैकेट जो है वो हमेशा ही आइडेंटिकल आनी चाहिए। ये आइडेंटिकल आने के बाद हम उनको कॉमन लेते हैं और फिर ये दोनों बची टर्म्स को दूसरे ब्रैकेट में, ये दोनों हो गए फैक्टर। इसके बाद जो सोल्यूशन होता है, जैसे कि इसको अगर हम इक्वल टू की तरफ लेते हैं तो एक्स की दो वैल्यूज मिलती है। देयरफॉर पहले इस ब्रैकेट को जीरो के साथ हम इक्वेट करते हैं और फिर इस, तो यहां पर हम जब ट्रांसफर करेंगे तो यहां आएगा माइनस वन, यानी ए। इस इक्वेशन के लिए x की पहली वैल्यू है माइनस वन और यहां पर x इक्वल टू फाइव। आपने पहले चैप्टर में जब बहुत सारे जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो लगभग इस तरह की वैल्यूज आई थी। उसमें निगेटिव वैल्यू जो होती है अगर वो हम नहीं ले सकते तो हम बोलते कि निगेटिव वैल्यू जो है वो उसको हम निगलेक्ट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं जहां पर एक्स की आपको ऐसी दो दो वैल्यूज मिलती है। So, हमारा मोटिव होता है इस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके कि x की ऐसी दो वैल्यूज निकालना जो इसके लिए सेटिस्फाइड है। इसका मतलब अगर आप इस इक्वेशन में माइनस वन रखते हैं तो ये इक्वेशन आपको जीरो देगी पूरी, और अगर आप फाइव रखते हो इस इक्वेशन के अंदर तो भी वो आपको जीरो देगी। यानी ये इक्वेशन इन दो वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड, या ये दोनों जो वैल्यूज है ये इसके रूट है। तो ये आपको पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ा दिया है, जब हम इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है 2.2 वो लेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। सो फिलहाल इस इक्वेशन को हम यहां तक स्टॉप करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना था। किस तरह से हमने किया ये आपने देखा। अब हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन में कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो थोड़ी सी मिसिंग है। यहां देखिए पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, यहां नहीं दिया है। यहां 2m² - 5m कॉन्स्टेंट वाली टर्म गायब है। So, ऐसी टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल होता है उन वेरिएबल पे फोकस करना होता है। यहां पर देखिए वेरिएबल को हम कॉमन ले सकते हैं। सो सबसे पहले यहां पर आपको उस तरह से फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करोगे। इन दोनों में से आप m कॉमन ले लीजिए और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। पहली टर्म में से क्या बचा है, तो पहली टर्म में यहां देखिए पूरे इसमें से m निकलने के बाद 2 और यहां से 1m बाकी है, तो ये 2m बाकी है। दूसरी इक्वेशन में देखिए यहां पर या दूसरी टर्म में, तो दूसरी टर्म में से m निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ -5। यहां पर m जो सिंगली है उसको आप ब्रैकेट में कीजिए, यानी m और 2m - 5, ऐसे आपको दो फैक्टर मिले। तो यहां पर जल्दी सॉल्व हो गया क्योंकि वहां टर्म मिसिंग थी, यहां पर ये ब्रैकेट आया है। इस वक्त आप लिख सकते हो m इक्वल टू जीरो क्योंकि इसके बराबर आप जीरो लोगे, यानी अगर हम इस इक्वेशन के बराबर जीरो लेते हैं m इक्वल टू जीरो, यानी इस इक्वेशन में अगर m की जगह जीरो आप रखते हो तो ये इक्वेशन आपको जीरो देगी। दूसरी जो वैल्यू है वो 2m - 5 इक्वल टू, जब आप जीरो लोगे तो इसको ट्रांसफर करने पर आपकी वैल्यू आएगी m इक्वल टू 5/2। यानी इस इक्वेशन के अंदर अगर आप 5/2 रखते हो तो वो जीरो देगी, या फिर अगर जीरो रखते हैं तो वो जीरो देगी। सो ये दो वैल्यूज है, लेकिन फिलहाल हमको ये नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ फैक्टर किस तरह निकालने हैं। सो इस तरह की टर्म में आप वेरिएबल को कॉमन लेके इस तरह से दो फैक्टर बना सकते हो। तो आपका ये जो दो ब्रैकेट है ये फैक्टर है। अब देखिए तीसरी इक्वेशन x² - 25। तो यहां पर हम a² - b² इक्वल टू a+b a - b ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो यहां पर देखिए a तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, ये 25 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये होता है 5 का स्क्वायर। और आप यहां पर लगा रहे हो a² - b² इक्वल टू होता है a+b a - b। सो ये फॉर्मूला आप यहां पर लगा रहे हो। इस फॉर्मूले में आपको दो फैक्टर ऑलरेडी मिल जाते हैं, तो यहां पर आप इन दोनों टर्म को एक बार पॉजिटिव यानी प्लस के फॉर्म में लिखो और दूसरी बार a - 5। सो यहां पर आपने तीन तरह की इक्वेशन देखी। पहली जो स्टैंडर्ड फॉर्म में थी उसमें किस तरह से आपको सॉल्व करके फैक्टर मिलते हैं, यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो यहां पर कॉमन लेके कर सकते हैं, और अगर फॉर्मूला अगर कहीं लगता है तो वहां पर फॉर्मूला लगा के। सो ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है, तो हमने इसको सिर्फ रिवाइज करने के लिए पढ़ा है। इसके बाद यहां जो मैंने साइन रूल बताया था कि आखिरी माइनस है या बीच में मिडल टर्म में माइनस है, इसके ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से अलग अलग इक्वेशन में जो साइन की पोजिशन है, हो सकता है यहाँ प्लस हो, यहां पर प्लस हो, यानी दोनों जगह प्लस हो, अल्टरनेटली प्लस माइनस हो, तो कौन से साइन रूल होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले हम लेते हैं जो आपके बुक का टॉपिक है, लेस लर्न के अंदर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो जैसे कि आप यहां देख रहे हो
By substituting arbitrary values for the variable and deciding the roots of quadratic equation is a time-consuming process. अब एक 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 जो values है उनको रखना और फिर substitute करना, ये जो process है वो काफी बड़ी हो जाती है, जिसके कारण आपने इसकी पहली क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ी है या एलिमिनेशन पढ़ा है, तो वो काफी लंबी प्रोसेस हो जाती है. लेकिन हम इस तरह से फैक्टराइजेशन के थ्रू यहाँ पर दो वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं. तो जैसा कि बुक में भी हमने पढ़ा कि ये जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, यानी उन वेरिएबल्स की वैल्यू रखना और फिर उनको सॉल्व करना और फिर दो वैल्यूज निकालना. बट अगर इस तरह के हम फैक्टर करते हैं तो वो वैल्यू जो है वो इजीली मिल जाती है. सो लेट अस लर्न टू यूज द फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं कि किस तरह इजीली हम इक्वेशन को सॉल्व करके वो दो वैल्यूज है वो निकाल सके. इतना याद रखिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए यहां पर आपको दो वैल्यूज मिलेगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की पावर जो है वो 2 है, इसलिए हमेशा आपको जो इक्वेशन है वो दो वैल्यूज देगी. उस इक्वेशन के लिए वो दो वैल्यू उसकी रूट या सेटिस्फाइड करने वाली दो वैल्यूज होगी. सो यहाँ इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x-5, जैसे कि पीडीएफ में भी देख रहे हो मैंने यहाँ सॉल्व किया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x-5. सो यहाँ देखिए ये दो वैल्यू आई है x प्लस 1 एंड x माइनस 5. सो एक्स माइनस 5 एंड x प्लस 1 आर टू लीनियर फैक्टर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x-5. तो ये जो लीनियर वैल्यूज आई है, ये लीनियर इक्वेशन है दोनों, इसके इक्वल अगर हम जीरो लेते तो यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 1, यहाँ x की वैल्यू प्लस 5 जो अभी मैंने निकाल के दिखाई थी. सो ये लीनियर इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यूज है. सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम एक्स स्क्वायर माइनस 4x-5 कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म. यानी आपके बुक में दिया है कि अगर इनसे निकले हुए जो दो लीनियर इक्वेशन है उसके आगे हम यहाँ जीरो लिखते हैं तो ये फैक्टर्स हो गए. इन दोनों में से आप एक एक को बारी बारी से लेते जाइए तो वो आपको वैल्यूज देंगे. जैसे कि बुक में देखिए, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज जीरो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो. इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज जीरो, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो उनमें से वन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो, तो दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए. सो हमने इन दोनों प्रोडक्ट का जो आंसर है वो जीरो के बराबर लिया है, तो किसी भी एक को हम जीरो के बराबर लेते हैं. तो पहले वाले को जीरो के बराबर लिया, दूसरे वाले को भी हम जीरो के बराबर लेते हैं. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आई है माइनस 1 और यहां 5. सो एक्स इक्वल टू 5 और एक्स इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर 5 एंड माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो ये जो दो वैल्यूज है एक्स इक्वल टू माइनस 1 और एक्स इक्वल टू 5, ये इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x-5 की दो रूट्स है या वो सोल्यूशन है जिसके बाद ये इक्वेशन जो है वो जीरो हो जाएगी. अब देखिए मैं ऑलरेडी आपको बताता हूँ, ये माइनस 1 यहाँ रखिए तो माइनस 1 यहाँ पर स्क्वायर होके प्लस 1 हो जाएगा. यहाँ माइनस 1 अगर आप रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस यानी 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 और ये माइनस 5, दोनों अगर हम ऐड करते तो वहां जीरो आंसर आएगा. सो ये दोनों जो वैल्यूज है आप अल्टरनेटली यहाँ रखिए, आपको इक्वेशन जो है वो जीरो देगी. और इसके पहले भी आपने टेस्ट में देखा है कि अगर कोई वैल्यू इक्वेशन में रखने के बाद वो जीरो आंसर देती तो वो उसका रूट होती है. सो इसी तरह से आपके दो जो रूट्स है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के बाद मिल जाते हैं. व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन द लीनियर फैक्टर, सो वी कॉल दिस मेथड एज अ फैक्टराइजेशन मेथड. सो जब भी आप इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको पहले ये जो लीनियर फैक्टर है, ये देखिए ये दो लीनियर फैक्टर मिले हैं यहां पर भी और यहां पर भी. सो पहले आपको लीनियर फैक्टर मिलेंगे और लीनियर फैक्टर को सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगी फाइनल वैल्यूज. इसीलिए इस मेथड का नाम जो है वो फैक्टराइजेशन है, यानी दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लीनियर फैक्टर बनाइए, लीनियर फैक्टर को सॉल्व करने पर आपको मिलेंगे रूट्स. तो इसीलिए इसका जो नेम है वो फैक्टराइजेशन मेथड है. अब इस फैक्टराइजेशन मेथड के बाद मैं आपको कुछ साइन रूल पढ़ाने वाला हूं कि किस तरह से ये जो टर्म में माइनस प्लस होने पर आपको ये जो फैक्टर है, ये नए फैक्टर जो बनते हैं, तो यहां पर देखिए ये फैक्टर बने थे, इन दोनों फैक्टर का साइन मैंने इसको प्लस क्यू लिया, इसको माइनस 5x क्यू लिया, ये किस तरह से, ये इसके बारे में बता रहा हूं. तो देखते हैं कि साइन रूल किस तरह से हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके. तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने लेस लर्न में देखा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. तो किस तरह से हम करते हैं ये अभी आपने देख लिया, लेकिन उसके लिए कुछ साइन रूल्स है कि जब हमको कोई इक्वेशन दी हो उस इक्वेशन से अगर हम फैक्टराइजेशन बना रहे हैं, यानी दो फैक्टर अगर हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स है.
तो वो रूल कुछ इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ देखिए साइन रूल लिखा है और चार इक्वेशन लिखी है, इसमें से पहली दूसरी तीसरी और चौथी चारों इक्वेशन में कुछ कुछ डिफरेंसेस है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। इस इक्वेशन में आखिरी टर्म पॉजिटिव है और मिडिल टर्म निगेटिव है, दूसरे में दोनों की दोनों टर्म जो है वो पॉजिटिव है, थर्ड में मैंने दो लिया हुआ है, यहां पर दोनों टर्म निगेटिव है, यहां लास्ट वाली निगेटिव और बीच वाली पॉजिटिव है। तो जब इस तरह की इक्वेशंस रहे तो आपको जो फैक्टर बनाने हैं उन फैक्टर के साइन क्या लेने हैं ये देखना है। तो इसके लिए मैंने कुछ टर्म्स बना के रखी है, यहां देखिए अगर आखिरी वाला जो है यानी कॉन्स्टेंट का प्लस रहे और मिडल टर्म का माइनस रहे, तो हम इसको हिंदी में ऐसे याद रखेंगे, आखिरी प्लस बीच में माइनस, तो बनने वाले दोनों जो फैक्टर रहेंगे वो माइनस माइनस रहेंगे। सो आप सिंपली याद रख सकते हो कि आखिरी प्लस बीच में माइनस माइनस माइनस, तो यहां आखिरी प्लस बीच में माइनस, तो यहां दोनों जो है वो माइनस माइनस होंगे। सो फैक्टर, अब हम फैक्टर बना के देखते हैं। फैक्टर बनाते समय पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, यानी यहां जो कोएफिशिएंट है और लास्ट वाला जो कॉन्स्टेंट है उनका मल्टीप्लाई। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई आ गया 13, और मिडल टर्म है माइनस 14, तो हम यहां लिखेंगे माइनस 14। अब आपको मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करने पे आया था और ये जो है ये नंबर माइनस है, इसका मतलब दोनों फैक्टर जो है वो माइनस में बनेंगे, आखिरी प्लस बीच में माइनस माइनस माइनस, दोनों माइनस है तो दोनों ऐड होंगे, इसका मतलब दोनों को ऐड करके आपको माइनस 14 लाना है और मल्टीप्लाई करके 13। तो ऐसे कौन से फैक्टर बनते हैं, तो इस 14 के दो फैक्टर बनाओ, दो टुकड़े ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पर 13 आए और ऐड करने पर 14, तो दो ही फैक्टर है इसके 13 एंड 1। 13 वन 13 होता है और 13 प्लस 1 माइनस 14, तो इस तरह से आप फैक्टर बना सकते हो। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको फैक्टर कुछ इस तरह से मिलेंगे, एम स्क्वेयर माइनस 14 के हमने दो टुकड़े कर दिए यहां पे, तो पहला वाला जो है माइनस 1, तो यहां m लगेगा, 1 को हम लिखते नहीं है, अगला वाला जो है वो माइनस 13m और लास्ट में है प्लस 13। सो देखिए आपके दो फैक्टर यहां पर बन गए हैं, मैं इसको डबल अंडरलाइन कर देता हूं। तो यहां पर आपका रूल है आखिरी प्लस बीच में माइनस माइनस माइनस, यानी आखिरी में प्लस और बीच वाली टर्म अगर माइनस है तो आपके दोनों फैक्टर जो है वो माइनस में बनेंगे। So, यहां तक मैंने सॉल्व कर दिया है, अब हम जब सॉल्व एग्जांपल लेंगे तो उसके आगे सॉल्व करेंगे। सो फिलहाल के लिए आपका साइन रूल है, जब आखिरी प्लस बीच में माइनस हो तो माइनस माइनस, ये आपको याद रखना है। अगला, अगर आखिरी टर्म प्लस है बीच में प्लस है, यानी अगर पूरी इक्वेशन प्लस में है तो फिर कोई टेंशन नहीं लेना है, दोनों के दोनों फैक्टर जो है वो प्लस में आएंगे। सो यहां देखिए आखिरी प्लस बीच में प्लस प्लस प्लस, दोनों फैक्टर आपके प्लस में बनने वाले हैं। फिर से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी पहली टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 वन 13, ये मल्टीप्लाई करने पे आया है और यहां पर दोनों प्लस है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये ऐड होंगे, तो ऐड करने के बाद आपको प्लस 14 लेके आना है। अगेन 13 और 1 13 वन 13, यानी ये वाला आया, और 13 प्लस 1 अगर करते हैं तो प्लस 14। तो यहां पर हमारे फैक्टर जो होंगे एम स्क्वेयर, मिडल टर्म 14 के हमने दो हिस्से किए हैं तो आप यहां लिख सकते हो प्लस 13m प्लस, यहां पर 1 है लेकिन हम लिखेंगे m क्योंकि 1 को यहां लिखा नहीं जाता, प्लस 13। देखिए यहां पर जो दो फैक्टर बने हैं वो प्लस में बने हुए हैं और हमारे दोनों फैक्टर जो है वो प्लस में है। तो पहला रूल था आखिरी प्लस बीच में माइनस माइनस माइनस, यहां आखिरी प्लस बीच में प्लस प्लस प्लस, यानी अगर आखिरी टर्म आपकी प्लस है और मिडल वाली टर्म का साइन जो है वो प्लस है तो आपके दोनों फैक्टर जो होंगे वो साइन के साथ प्लस प्लस बनेंगे। ये बहुत पहले की क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है बट बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इन साइंस को, यानी यहाँ पर किस तरह से साइन लेने हैं, इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इसको एक बार हम रिकॉल कर रहे हैं साइन रूल के तहत। तो ये यहां पर आ गया प्लस के लिए, अगर इक्वेशन में दोनों माइनस या आखिरी माइनस और बीच में प्लस साइन हो तो आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। यहां पहला देखिए आखिरी माइनस है, बीच का साइन के ऊपर पहले फोकस नहीं करना है, अल्टरनेटली प्लस माइनस ले लेना है, ठीक है। सो आखिरी माइनस अभी बीच के साइन की तरफ फोकस नहीं करना है, प्लस माइनस अल्टरनेटली लेना है। अब प्लस माइनस अल्टरनेट लेने के बाद यहां देखना है, अगर बीच में माइनस साइन है तो यहां पर जो नंबर लोगे वो नंबर रहेगा बी, ताकि इसमें से ये माइनस करने पर आपका जो साइन है वो माइनस में बचा है,
वो किस तरह से आप देखते हैं। सो आपका रूल है आखिरी माइनस बीच के साइन पे फोकस नहीं करना है, पहले अल्टरनेटली प्लस माइनस देना है, फिर बीच का साइन देख के यहां पर बिग लेना है। तो आखिरी माइनस बीच का साइन देखना नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है, आखिरी माइनस बीच का साइन नहीं देना, अल्टरनेटली प्लस माइनस लेना, फिर बीच का साइन जो है वो बिगर रहेगा। या आप शॉर्ट में ऐसा याद रख सकते हो, आखिरी माइनस बीच के साइन के साथ बिगर नंबर, ठीक है। तो आखिरी माइनस बीच के साइन के साथ, बीच का साइन कौन सा है माइनस, तो उसके साथ बिगर नंबर। अब यहां पर देखिए 10 और 3 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 3 जा 30, ठीक है। तो अब यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का, तो ये हो गया 30, और ये कैसा 30 है, माइनस 30 आना चाहिए, विद साइन है, माइनस साइन है, इसलिए माइनस 30 ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। प्लस यहां बीच में देखिए यहां जो फैक्टर है वो माइनस 1 है, तो यहां पर ऐसे दो नंबर लेने होंगे कि जिनका मल्टीप्लाई माइनस 30 है और जब हम उनको ऐड करें तो माइनस 1 आंसर बचे। तो ऐसे दो ही फैक्टर है आपके पास, 5 और 6। तो अब हम अगर यहां 6 ले लेते हैं और यहां 5 ले लेते हैं तो 5 6 30 तो हो रहा है, लेकिन 5 और 6 का जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो प्लस 1 आंसर आएगा। इसलिए मैंने कहा था कि जो बीच में साइन है वो बिगर नंबर के साथ, तो यहां हम नंबर जो लेंगे वो 6 एंड 5 लेंगे। तो 5 6 30 और अल्टरनेट नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस, जैसे यहां माइनस है तो -30 ये आ गया आंसर। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -6 में से 5 गया तो -1, यानी आपका ये आंसर भी सही है। अब आपके फैक्टर क्या बनेंगे वहां पे, सो 3x2 इस -x को आपने तोड़ दिया है तो आप लिखोगे -6x, क्योंकि आपको माइनस में आंसर लाना है, +5x - 10। सो इन शॉर्ट में याद रखने के लिए आखिरी माइनस बीच के साइन के साथ बिगर नंबर, यहां पर भी वही आखिरी माइनस बीच के साइन के साथ बिगर नंबर। सो यहां देखिए माइनस है, अल्टरनेटली प्लस माइनस, आखिरी माइनस अल्टरनेटली प्लस माइनस और बीच के साइन के साथ बिगर नंबर। आपको बस ये वर्डिंग याद रखना है कि आखिरी माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस और बीच के साइन के साथ बिगर नंबर। तो यहां देखिए फिर से 10 3 जा, यहां पे -30 हो रहा है, ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आया है -30। अब बीच का जो नंबर है वो पॉजिटिव आने वाला है, सो यहां पर अल्टरनेटली हमने यहां पर 5 और 6 लिया था, अब हम लेंगे 6 और 5। बीच का नंबर बड़ा आना चाहिए +1 आंसर लाने के लिए, तो इन दोनों का माइनस कीजिए बराबर +1 आएगा, 6 में से 5 अगर माइनस करते हैं तो +1 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टरनेट साइन होने के कारण यहां पर -30 एज इट इज आएगा। यहां फैक्टर बने थे -6 और +5, यहां बनेंगे 3x² + 6x - 5x - 10, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आएगा यहां पर जो +1 है वो। सो होपफुली आपको साइन रूल यानी साइन किस तरह से, बस यही 3 साइन आएंगे, या तो आखिरी माइनस हो सकता है, बीच में प्लस, तो दोनों माइनस लेने पड़ेंगे, यहां पर अगर बीच में प्लस रहता है तो दोनों पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। यहां दो कंडीशन आती है, अगर यहां पर मिडल में माइनस साइन है तो आपको माइनस साइन के साथ बिग नंबर लेना है, और अगर यहां पर प्लस है तो आपको प्लस के साथ यहां बिगर नंबर लेना है। मतलब जो साइन बीच में होगा जब अल्टरनेट साइन, देखिए यहां सेम साइन आए थे, जब वहां अल्टरनेट साइन वाला पोजिशन बनेगी यानी आखिरी में जब माइनस साइन आएगा तभी आपको ध्यान रखना है। तो आपके यहां पर 4 रूल होते हैं, आखिरी प्लस बीच में माइनस, माइनस माइनस, आखिरी प्लस बीच में प्लस, प्लस प्लस, और हमारा जो लास्ट रूल है वो दोनों के लिए कॉमन हम बोल सकते हैं कि आखिरी माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस और मिडल टर्म के साइन के साथ बिगर नंबर। तो मिडल टर्म का साइन यहां माइनस है इसलिए उसके साथ बिगर नंबर, यहां मिडल टर्म का साइन प्लस है इसलिए उसके साथ बिगर नंबर। तो ये आपके 4 रूल है, आपको याद रखने हैं, इसी के साथ हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम लेते हैं सॉल्व एग्जांपल्स। सो अगला जो है वो सॉल्व एग्जांपल्स है, जैसे कि मैंने आपको साइन रूल पढ़ा दिए है, किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आखिरी में जो साइन होता है और मिडल टर्म का जो साइन होता है वो दोनों साइन डिपेंड करते हैं कि आपके फैक्टर जो है वो किस साइन के साथ आपको लेने हैं। सो अब हम सॉल्व एग्जांपल में लेते हैं, सॉल्व एग्जांपल में आपका क्वेश्चन है, जैसे कि यहां पर बोर्ड में दिख रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, और आपको 5 इक्वेशन वहां दी है। पहली है m² - 14m + 13 = 0, दूसरी 3x² - x - 10 = 0, थर्ड है आपकी
3y स्क्वायर इक्वल टू 15y, अगली है x स्क्वायर इक्वल टू 3 और उसके बाद है 6 अंडर रूट 3 x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू अंडर रूट 3। तो ये पांचों की पांचों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये इक्वेशन लेते हैं m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप वो जो v होता है उसको बना लीजिए और आप इस इक्वेशन के फैक्टराइजेशन पे फोकस कीजिए। आखिरी प्लस बीच में माइनस दोनों बनने वाले फैक्टर है वो माइनस। इसके बाद 13 वन 13, अगला ये माइनस 14 एज इक्रीज हम यहां लेंगे। इसके ऐसे दो फैक्टर करने की दोनों माइनस साइन दे, तो यहां पर माइनस 1 है 13, 13 वन 13 एंड इन दोनों को ऐड करने पर माइनस 14। सो सबसे पहले इस इक्वेशन को आप जब सॉल्व करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देयरफॉर आपको ये एक बार पहले लिखना होगा एम स्क्वायर 14m प्लस 13 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये आप सॉल्यूशन देख रहे हो। इसके बाद आप उसका फैक्टर लिखोगे, देयरफॉर एम स्क्वायर माइनस 1m, लेकिन वर्ग को लिखते नहीं, माइनस 13m प्लस 13 इक्वल टू 0। अब यहां से हमको कॉमन निकालने के लिए पेयर बनाने होते हैं, तो ये हमने पेयर बना लिए। इस पेयर के बाद कॉमन लेते हैं, तो यहां से m कॉमन निकल रहा है, यहां m और यहां माइनस 1 रिमेनिंग है। इन दोनों में से माइनस 13 हमें कॉमन लेना है। पहले इसमें यहां पर m रिमेनिंग रहेगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, ये माइनस वाली टर्म प्लस में हो गई और ये प्लस वाली टर्म माइनस में, और यहां बचेगा 1 क्योंकि यहां से पूरा 13 आपने कॉमन ले लिया है। तो ये यहां पर आपकी सेकंड स्टेप कंप्लीट हुई। सो यहां देखिए, ये जो हमारे दो ब्रैकेट है, ये मैंने कहा था कि इक्वल आने चाहिए, तो देखिए दोनों एक जैसे आए हैं और इक्वल टू हमारा 0। अब यहां पर ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, इसलिए देयरफॉर m माइनस 1, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए हैं। पहले इसमें से जो रिमेनिंग है वो लिखते हैं m और दूसरे इसमें माइनस 13 इक्वल टू 0। देयरफॉर यहां पर दोनों वैल्यूज को जीरो के साथ इक्वेट करना, ये दोनों लीनियर इक्वेशन को हम जीरो के साथ इक्वेट करते तो हमें वैल्यूज मिलती है। तो सबसे पहले m माइनस 1 इक्वल टू 0, देन सेकंड m माइनस 13 इक्वल टू 0। यहां पर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो m इक्वल टू प्लस 1, और सेकंड में हम अगर सिंप्लीफाई करते तो m और ये उधर साइड ट्रांसफर होने के बाद 13। तो m की ये जो दोनों वैल्यूज है, ये दोनों वैल्यूज रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। So, यहां एक लाइन लिखेंगे, देयरफॉर m इक्वल टू 1 कॉमा 13 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस तरह से आपको पूरा सॉल्व करना है। ये जो पोर्शन है आप यहां करके दिखा सकते हो या फिर आप इसको रफ में भी सॉल्व कर सकते हो, और जिनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, 3x square minus x minus 10 equal to 0। यहां पर भी हम वही परफॉर्म करेंगे, देयरफॉर सबसे पहले हम इसको एक बार लिख के दिखाएंगे, माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x square जैसे का वैसा लिखेंगे आप। अब यहां देखिए ओरली करते हैं, 10 3 30, आखिरी माइनस बीच का साइन जो है वो बिगर नंबर के साथ लेना है फैक्टर बनाते समय, तो अल्टरनेटली प्लस माइनस, तो ये रहा अल्टरनेटली प्लस माइनस। 10 3 30 होता है, इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं, यहां पर जो बिगर नंबर है वो माइनस के साथ आना चाहिए, तो हम यहां पर लेंगे 5x minus 6x minus 10 equal to 0। और जिनको डायरेक्ट नहीं आता है फिर से वही मेथड, सबसे पहले आखिरी साइन देखेंगे तो आखिरी माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस और मिडल टर्म के साथ बिगर नंबर, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो वो आ गया 30 लेकिन माइनस 30, और मिडल टर्म का आंसर आना चाहिए माइनस 1, तो बिगर नंबर हमने 6 ले लिया, स्मॉल नंबर हमने 5 ले लिया। 6 5 30 और 6 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो यहां पर आएगा माइनस 1। सो ये जो चीज है ये आप
आपकी प्रैक्टिस, आप अगर जैसे बुक में कोई क्वेश्चन लेते हैं तो कंटिन्यू आप प्रैक्टिस में कीजिए, कुछ दिनों बाद आपको ये करने की जरूरत नहीं रहेगी। और जिनको नहीं आता है वो इसको बिल्कुल आप डेली रफ में करिए, ताकि आपका जो फैक्टराइजेशन प्रोसेस है वो बहुत ही इजी तरह से आप उसको कर पाए। अब यहाँ पर हमारे इक्वेशन फिर से मिल गई है, हम इसको अंडरलाइन करते हैं और यहाँ से कॉमन निकालते हैं। सो पहले इसमें से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है एक्स के अलावा, तो हम यहाँ से एक्स लेते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बचा है, पहले इसमें 3 और यहाँ एक एक्स जो है वो रिमेनिंग है, यहाँ पर प्लस 5। अब ये वाला जो है यहाँ देखिए, सबसे पहले तो माइनस कॉमन निकल रहा है, साथ में इन दोनों के अंदर 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम 2 माइनस 2 कॉमन निकालते हैं। यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2 3 6 और एक्स जैसे का वैसा रहेगा, फिर से 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहां आएगा 5 इक्वल टू 0। तो ये देखिए फिर से ये दोनों जो ब्रैकेट है वो आइडेंटिकल आए, देयरफॉर 3x प्लस 5, यहां पर बचा हुआ है x और यहां बचा हुआ -2 इक्वल टू 0। फिर से इन दोनों लीनियर को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो देयरफॉर 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड सेकंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले 3x इक्वल टू माइनस 5 आएगा, फिर x इक्वल टू माइनस 5/3। तो ये पहली वैल्यू हो गई, दूसरी टाइम x इक्वल टू 2, तो ये डायरेक्टली आ गई। देयरफॉर हम यहां लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 5/3 एंड 2 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको इसके पहले जो साइन रूल मैंने पढ़ाया है उन साइन रूल का यूज करते हुए आपको ये चीज करते आनी चाहिए, ये अगर आ गई तो आप इसके फैक्टर इजीली बना सकते हो, तो बहुत इजी है। अगली इक्वेशन देखिए, उसमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, तो यहां पर कॉमन वाली मेथड हम यूज करेंगे और कॉमन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहां देखिए देयरफॉर में इसको एक बार लिख के दिखाते हैं, 3y² - 15y = 0। अब यहां पर कुछ भी लगाना जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम y को कॉमन ले सकते हैं, साथ साथ में दोनों में 3 से डिवाइड जा रहा है इसलिए हम उसको भी कॉमन लेते हैं। सो यहां इस इक्वेशन में यहां से 3, यहां से भी 3, दोनों से y कॉमन, पहली टर्म में 3 निकल गया है, y भी निकल गया है, एक y अभी भी रिमेनिंग है माइनस, यहां से 3 निकल गया है तो 3 से उसको डिवाइड करेंगे, 3 5 15, y ऑलरेडी निकल चुका है इक्वल टू 0। अब इसको और ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी लीनियर फॉर्म में आ चुका है, तो पहला फैक्टर जो हमारा होगा देयरफॉर 3y = 0 और दूसरा जो होगा y - 5 = 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो y = 0, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 0 को डिवाइड करता है तो वो 0 ही देता है, और यहां y = आपको मिलेगा 5। सो देयरफॉर y = 0 और 5 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहां पर तीनों एग्जाम्पल आपके कवर हो चुके हैं, अब हम लेते हैं लास्ट के 2 एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, x² = 3 और यहां 6√3x² + 7x = 3। तो हम पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं, इस इक्वेशन को हम फिर से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, -3 = 0। अब यहां पर देखिए ये यहां पर किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं लग रही कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन सॉल्व कैसे करना। सो यहां पर ना मिडल टर्म है ना कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इसको हम a² - b² के फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। अब ये 3 जो है ये स्क्वायर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, तो आपको मालूम है कि √3 और √3 ये 2 बार होने पर एक बार हम 3 लिख सकते हैं। इस टर्म को 2 बार अंडर रूट है तो हम इसको अंडर रूट ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसका स्क्वायर करते तो रूट हट जाएगा, वापस से 3 मिलेगा, तो इस 3 को हमने इस तरह से कन्वर्ट करना है। सो नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर यहां हम कन्वर्ट करेंगे x² - ये कन्वर्ट हो जाएगा √3² = 0। अब यहां पर a² - b² का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, सो देयरफॉर यहां पर पहला जो आपको फैक्टर मिलेगा वो ax + √3 और दूसरा जो मिलेगा x - √3।
इक्वल टू जीरो। अब आपने यहाँ क्या किया है तो वो भी लिख देते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपने जो है वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। अब यहां पर आपको फैक्टर मिल चुके हैं, फैक्टर का हम आंसर निकालेंगे। देयरफॉर एक्स प्लस अंडर रूट थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस अंडर रूट थ्री इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री, यहां सिंप्लीफाई करने पर प्लस अंडर रूट थ्री। सो फिर से अगेन यहां लिख सकते हो कि देयरफॉर x इक्वल टू अंडर रूट थ्री एंड माइनस अंडर रूट थ्री आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस तरह से आप ये सॉल्यूशन कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिकी था, तो आप यहाँ पर स्टार लगा सकते हो कि आप इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से डील करते हो। सो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री जो था उसको किस तरह से आपने ट्रिक लगा के सॉल्व किया है। सो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ट्रिकी होते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट दिखा के कि इसमें क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हम क्या कर सकते हैं। सो यहाँ हमने देखा कि हम यहाँ पर कोई चीज ना स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है ना ही कॉमन निकालने के लिए दूसरा वेरिएबल दिख रहा है, बट इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी ट्रिक होगी कि हम स्क्वायर में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स इक्वल टू अंडर रूट थ्री। अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। सिक्स अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स एंड माइनस अंडर रूट थ्री इक्वल टू जीरो। फिर से आपका वही वाला जो पोर्शन है हम फिर से ड्रॉ करते हैं और यहां सॉल्व करके देखते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां आता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सिक्स अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई अंडर रूट थ्री। ये अंडर रूट थ्री कैंसिल होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में इस तरह देगा, सिक्स थ्री जा एटीन। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको आया है एटीन, और ये आखिरी माइनस है इसलिए यहां पर माइनस में यह आंसर आएगा। आखिरी माइनस है इसलिए अल्टरनेट प्लस माइनस, बीच में प्लस है इसका मतलब आपको यहां जो है वो बिग नंबर लेना पड़ेगा। बीच की टर्म प्लस सेवन है, ये हमने प्लस सेवन लिख दिया। अब आपको सेवन के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जिनको ऐड करने के बाद आपको सेवन मिले, यानी इन दोनों नंबर्स को, उसमें भी बड़ा नंबर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो है वो आपको सॉरी मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो आपको माइनस 18 मिले। तो ऐसे दो ही फैक्टर है नाइन और टू। सो हम सबसे पहले यहां लेते हैं नाइन और यहां लेते हैं टू। नाइन टू जा 18 तो माइनस हो गया, और नाइन में से अगर आपको टू सब्ट्रैक्ट करते तो प्लस सेवन आता है। तो इस तरह से आप फैक्टर बना सकते हो। अब हम इसके अंदर वो फैक्टर क्रिएट करते हैं। देयरफॉर सिक्स अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर, इस टर्म की जगह आपने फैक्टर निकाले हैं नाइन और टू। तो सबसे पहले लिखेंगे प्लस 9x माइनस 2x और माइनस अंडर रूट थ्री। ये इस तरह से आपकी इक्वेशन बनी इक्वल टू जीरो। यहां देयरफॉर दोनों में से कॉमन निकालना है आपको, तो कॉमन निकालना शुरू करते हैं। अब इसके बाद हम पेयर बनाते हैं और वहां से कॉमन निकालते हैं। तो ये पेयर रह गया, अब हम यहां से कॉमन निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों टर्म में से क्या क्या मैक्सिमम कॉमन निकाल सकता है। सबसे पहले इन दोनों में देखो तो थ्री का डिवाइड जाता है, अगर हम थ्री से डिवाइड करते तो यहां थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा और यहां थ्री थ्री जा नाइन होगा, यानी थ्री रिमेनिंग रहेगा। उस थ्री में से और एक अंडर रूट थ्री भी निकाल सकते हैं, इसलिए हम यहां से ये अंडर रूट थ्री भी निकालेंगे। तो क्या बचेगा देखते हैं। देयरफॉर पहले यहां से थ्री अंडर रूट थ्री और ये एक्स मैंने निकाल लिया, यहां से थ्री निकल गया, तो यहां से थ्री से डिवाइड करते हैं, थ्री टू जा सिक्स, अंडर रूट थ्री भी निकल चुका है, यहां से एक्स भी निकल चुका है, अब यहां पर सिर्फ एक एक्स कॉमन बचा हुआ है। अगली टर्म यानी ये प्लस वाली, यहां से एक्स ऑलरेडी निकल चुका है, थ्री से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा थ्री, लेकिन इस थ्री में से भी अंडर रूट थ्री निकाल चुके हैं, तो यहां पर बचेगा अंडर रूट थ्री। अगर आपको नहीं समझा होगा तो मैं और एक बार इसको समझा देता हूं कि जैसे ही हम यहां से थ्री इस नाइन एक्स में से कॉमन निकालेंगे तो थ्री थ्री जा नाइन, यानी यहां पे थ्री बचा रहेगा, लेकिन हमने अंडर रूट थ्री भी निकाला है, तो इस थ्री के टुकड़े होते हैं अंडर रूट थ्री और अंडर रूट थ्री, तो एक अंडर रूट थ्री यहां से निकाल दिया है हमने इस टर्म में से, तो सिर्फ यहां पर क्या बचेगा अंडर रूट थ्री, इसलिए यहां पर अंडर रूट थ्री जो है वो रिमेनिंग रहेगा।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है दोनों में से सिवाय माइनस वन के, तो माइनस वन कॉमन निकालेंगे। यहां से माइनस वन कॉमन निकल गया, टू एक्स बचा, यहां से माइनस वन कॉमन निकल गया, प्लस अंडर रूट थ्री बचा इक्वल टू जीरो। सो यहां पर किस तरह से कॉमन लिया गया है, थोड़ा इस स्टेप को गौर से आप सॉल्व कीजिए जब आप एक्चुअल जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। इस पूरी इक्वेशन में ये दोनों ब्रैकेट जो है वो कॉमन आ चुके हैं, तो यहां पर 2x प्लस अंडर रूट थ्री, उसके बाद यहां 3 अंडर रूट 3x और यहां माइनस वन इक्वल टू जीरो। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू जीरो और यहां 3 अंडर रूट 3x माइनस वन इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करते हैं, 2x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, x इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2। दूसरा वाला हम वैल्यू निकालते हैं यहां पर, तो 3 अंडर रूट 3 x इक्वल टू 1 ट्रांसफर होने के बाद x इक्वल टू 1 अपॉन 3 अंडर रूट 3। सो यहां पर x की दो डिफरेंट वैल्यू आई है, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन 2 और 1 अपॉन 3 रूट 3 इज सॉरी आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहां पर आपकी जो स्टेप होगी आपको ध्यान देने लायक वो ये होगी, ये दोनों स्टेप जो है वो आपको बहुत ध्यान देने लायक है। यहां पर आप फैक्टर जब करोगे और इस टर्म में से स्पेशली जब आप फैक्टर निकालोगे तो आपको किस तरह से निकालना है, पहले तो आपने दोनों में से 3 निकाल दिया, यहां से अंडर रूट 3 निकलेगा, लेकिन यहां से अंडर रूट 3 कैसे निकालेगा वो मैंने यहां सिंप्लीफाई किया है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियोस को रिवाइंड कर सकते हो। सो यहां पर आपका सॉल्व एग्जाम्पल का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 2.2 ये स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए इस पूरे सॉल्व एग्जाम्पल, साइन रूल और लेट्स लर्न और लेट्स रिकॉल, इन दोनों टॉपिक्स को भी आप बहुत अच्छे से देखिए। इन सभी की प्रैक्टिस होने के बाद 2.2 जो है वो आपको सॉल्व करने में इजी जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज प्रैक्टिस से 2.2 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।